निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने संत कबीर नगर से भाजपा प्रत्याशी और अपने पुत्र प्रवीण निषाद के वायरल हो रही फर्जी ऑडियो और विपक्षियों की साजिश बताते हुए कहा कि निषाद पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ है और भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी तत्परता से लगी हुई है। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से वायरल हुई ऑडियो को खंडन करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा की लोकप्रियता से गठबंधन के लोग घबरा गए हैं। इस तरह के कृत्य करने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है और पूरा निषाद समाज भाजपा के साथ खड़ा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हेलो महेंद्र, हाँ भैया जय निषाद, जय निषाद, ये माननीय सांसद जी बात करेंगे, प्रवीण निषाद जी बात करिए। हेलो, जय निषाद, जय निषाद, और क्या हाल है? बढ़िया है भैया, जा रहे थे प्रचार में। अभी देखिए क्या है, हमारा वहाँ पे संत कबीर नगर में हमको संत कबीर नगर में हमको ब्राह्मण और सतवार लोगों का वोट नहीं मिला है। हाँ भैया, ठीक है, तो जरा कोशिश करिए कम से कम गोरखपुर में तो हमारा पुराना चुनाव चिन्ह जो साइकिल है वो जीत जाए कम से कम। हम चाहेंगे कि हमारे रामगोपाल जी जीत जाए भैया। और अपने समाज के ठीक है। हाँ, वहाँ गोरखपुर में जो है कि हम परशुराम जी को, अवधेश जी को और दिनेश गुंजा जी को, साथ में आरती जी और राजेश जी को भी बोले हैं, काम पे लगाए हैं। अच्छा सर, हाँ तो थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा। याद अली भैया, हम बुलावत भाजपा वाले। अच्छा, और देखिए, और देखिएगा ये बात किसी को मालूम ना चले कि हम फोन किए थे आपको। नहीं नहीं भैया, नहीं। हाँ ठीक है, जय निषाद राज, जय निषाद राज। का पूरा फर्जी है, गठबंधन हार रहा है, उनका आवाज नहीं है। उसमें आरोप लगाया गया कि संत कबीर नगर में सवर्णों ने वोट नहीं दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो वो वीडियो वायरल है और जो आरोप है वो आरोप भी गलत है। और वहाँ सभी वर्ग सभी जातियों ने तन मन धन से वोट दिया और पूरा का पूरा जीत का श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। और यहाँ गठबंधन हार रहा, हताशा है, हताशा की वजह से इस तरीके का वीडियो वायरल किया गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुकदमा कर दिया गया, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रहा और दोषी अब दंडित भी होंगे। और मैं अपील करना चाहता हूं जनता से कि निषाद पार्टी और इंजीनियर प्रवीण निषाद पूरी तन्मयता और आस्था के साथ, शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है। हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ हम लोग हैं। और इस तरीके का अफवाह न फैले, अफवाहों के चक्कर में न जनता रहे, इसलिए जनता से अपील करना चाहते हैं अपने एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी को कमल बटन पर दबाकर रवि किशन को यहाँ जिताएं और दिल्ली में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएं। मेरा डॉक्टर संजय कुमार निषाद, निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इंजीनियर प्रवीण निषाद का पिता भी हूँ। नहीं, ये हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। कल तीन तीन हेलीकॉप्टर रैली कराई, वो सारे के सारे वही कार्यकर्ताओं ने मैनेज किया। सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके कई हजारों की संख्या में लोगों को बुलाया। कैसे हम अपने कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा, और कल वोट भी पड़ेगा और 23 तारीख को एक विजय भी होगा, एक ऐतिहासिक विजय होगा। जितना वोट 2014 में भारतीय जनता पार्टी मिला था उससे कहीं अधिक होगा। तो निषाद पार्टी नहीं थी, अब 2,05,000 अलग निषाद पार्टी ने 2018 में चुनाव लड़ा था उसमें मिला था अलग से, वो 2,05,000 वोट और प्लस होगा और एक ऐतिहासिक जीत गोरखपुर से होगी। रवि किशन जीत के जाएंगे।